इस क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टरी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी आर डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। तो इसका आंसर जो है वो पोस्टेरो लैटरल आर्टरी है। ठीक है, अब इसमें कुछ जान, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी की जो आर्टरी होती है वो सब क्लेवियन आर्टरी से डेराइव्ड होती है। सब क्लेवियन आर्टरी फोर्थ आर्च आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी फोर्थ आर्च आर्टरी से बनता है। राइट फोर्थ आर्च आर्टरी, राइट डॉर्सल एओर्टा एंड इंटर सेगमेंटल आर्टरी नंबर 7। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी इज कंट्रीब्यूटेड बाई इंटर सेगमेंटल नंबर 7 आर्टरी, बस इसी से बनता है। और ये जो आर्टरी जो होती है वो पोस्टेरो लैटरल होती है, तो इसीलिए इसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो पोस्टेरो लैटरल आर्टरी। कौन कौन सी आर्टरी एक बार फिर से देख लो। तीन आर्टरी राइट सब क्लेवियन आर्टरी को तीन आर्टरी बनाती है। ठीक है, कौन कौन सी? राइट फोर्थ आर्च आर्टरी, राइट डॉर्सल एओर्टा पार्ट ऑफ, ठीक है, एंड इंटर सेगमेंटल आर्टरी नंबर 7। इंटर सेगमेंटल आर्टरी इसका भी कुछ पार्ट बनाती है लेकिन इसको पूरा बनाती है। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट इंटर सेगमेंटल नंबर 7। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पोस्टेरो लैटरल आर्टरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज डेराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्टिक आर्च जो होता है वो ऑर्टिक आर्च आर्टरी पहला जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है, दूसरा भी डीजेनरेट करता है। इसका इसका रेमिनेंट बचता है इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो कि मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट है। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इसमें जो होता है वो स्टेपीडियल आर्टरी बचती है और यह हार्ड आर्टरी बचती है। ठीक है, आर्ट नंबर 3 की बात करें तो ये जो होती है वो राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनाती है और उसके साथ साथ इसका पोर्शन बनाती है। ठीक है, और राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका भी पोर्शन बनाती है। अब फोर्थ आर्च आर्टरी की बात करें तो फोर्थ आर्च आर्टरी जो होती है वो राइट वाली और लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट साइड जो होता है वो बनाती है आर्च ऑफ एओर्टा बिटवीन किसके किसके बिटवीन आर्च ऑफ एओर्टा बिटवीन लेफ्ट सब क्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, और राइट वाली जो होती है वो राइट सब क्लेवियन आर्टरी बनाती है, सब क्लेवियन आर्टरी का पोर्शन बनाती है। ठीक है, अगर एक और आर्च है आर्च नंबर 5 तो होता है वो भी डिजेनरेट कर जाता है, उसका कोई रिमेनेंट भी नहीं बचता। और आर्च नंबर 6 जो है वो बनाता है पल्मनरी आर्टरी बनाता है राइट और लेफ्ट दोनों, और डक्टस आर्टरियोसिस बनाता है। डक्टस आर्टरियोसिस में लेफ्ट वाला बच जाता है, तो लेफ्ट वाला बचता है, राइट वाला रेमिनेंट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, रेमिनेंट नहीं बचता, डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें हमें बोला गया कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय आर्च नंबर 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्च नंबर 3। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रिमिटिव आर्टिक आर्च इज करेक्ट? ओके, सबसे पहली बात, फर्स्ट आर्चेज जो होती है परसिस्ट करती है? नहीं, कुछ जनरल देख लेते हैं। पहले हार्ट होता है, हार्ट से बनता है आर्टिक सैक, हार्ट के बाद आर्टिक सैक होता है। ये आर्टिक सैक जो होते हैं वो सिक्स जो होते हैं फेरेंजियल आर्टरी देते हैं, सिक्स फेरेंजियल आर्टरी देते हैं राइट साइड में, और सिक्स जो देते हैं वो लेफ्ट साइड में देते हैं, जिसमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचवा, छठवा, ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचवा और छठवा। और ये दोनों डॉर्सल एओर्टा से जुड़ते हैं और डॉर्सल एओर्टा नीचे जाके फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, डॉर्सल एओर्टा नीचे जाके फ्यूज़ कर जाता है, तो इसको कहते हैं डॉर्सल एओर्टा फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज्ड कर जाता है। अब इसके बाद देखो, पहला आर्च आर्टरी, दूसरा आर्च आर्टरी और पचवा आर्च आर्टरी, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। ये इसका एक रेमिनेंट बचता है जिसको इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी कहते हैं, जो कि मैक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच होता है। ठीक है, ये बचता है, इसका ब्रांच बचता है, इसका एक रेमिनेंट बचता है जिसको स्टेपिडियल आर्टरी कहते हैं, साथ साथ हार्ड आर्टरी बचता है। स्टेपिडियल आर्टरी स्टेपीज को सप्लाई करेगा हार्ड आर्टरी। थर्ड वाला जो होता है, ये थर्ड वाला राइट साइड, ये अगर राइट साइड है तो राइट साइड के कॉमन कॉमन कैरोटिड आर्टरी को बनाएगा और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को बनाएगा।
पार्ट बनाता है, ठीक है, पार्ट बनाता है दोनों का, कुछ पोर्शन बनाता है ये थर्ड आर्च आर्टरी, और ये इस साइड का थर्ड जो होगा वो भी बनाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का पार्ट अगर ये लेफ्ट साइड है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाता है, ठीक है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड। अब फोर्थ का थोड़ा सा अलग है दोनों साइड, अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड ये केवल सब क्लेवियन आर्टरी बनाता है, सब क्लेवियन आर्टरी बनाता है, इसका भी पोर्शन बनाता है, लेकिन लेफ्ट वाला जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा बनाता है, आर्च ऑफ एओर्टा, जो कि बाद में डिसेंडिंग एओर्टा बनाएगा। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा मतलब लिंक है, फोर्थ आर्च आर्टरी जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा बना रही है, और आर्च ऑफ एओर्टा किससे लिंक होता है, डिसेंडिंग एओर्टा से लिंक होता है, और लेफ्ट साइड है, ठीक है। और फिफ्थ वाला डिजेनरेट हो जाता है, कोई रेमिनेंट नहीं बचता, और सिक्स्थ वाला जो होता है, सिक्स्थ वाला पल्मनरी आर्टरी बनाएगा राइट वाला राइट साइड का, और ये पल्मनरी आर्टरी बनाएगा लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड का। अब डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है ये इस साइड का नहीं रहता, राइट साइड का नहीं रहता है, लेकिन डक्टस आर्टरियोसिस लेफ्ट साइड का परसिस्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट आर्च आर्टरी जो होती है परसिस्ट करती है, गलत। सेकेंड आर्च आर्टरी जो होती है वो कैरोटिड बनाती है, ये भी गलत, क्योंकि सेकेंड तो डिसअपियर कर जाती है, और बनाती क्या है, स्टेपिडियल आर्टरी और हार्ड आर्टरी। थर्ड आर्च आर्टरी डिसअपियर, ये भी गलत। फोर्थ आर्च आर्टरी लिंक विद द डिसेंडिंग एओर्टा ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा ऑन द लेफ्ट साइड। फोर्थ आर्च आर्टरी बनाती क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा से लिंक होता है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, साथ फोर्थ आर्च आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ आर्च आर्टरी। तो फोर्थ आर्च आर्टरी जो होती है, फोर्थ आर्च आर्टरी, ये अगर लेफ्ट साइड मान लें और ये राइट साइड मान लें, तो राइट साइड में जो भी फोर्थ आर्च आर्टरी होती है वो बनाती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी में तीन कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहली बात राइट फोर्थ आर्च आर्टरी का, राइट डोर्सल एओर्टा का, राइट डोर्सल एओर्टा का, और सेवेंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी का, इंटर सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। और फोर्थ आर्च आर्टरी ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ये बनाती है आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है, और आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है किसके किसके बीच में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इन दोनों के बीच में। तो इसमें आंसर पूछा कि फोर्थ आर्च आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, ट्रू। सिक्स्थ आर्च आर्टरी इज फॉर्मेशन ऑफ पल्मनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी इंक्लूडिंग विद डक्टस आर्टरियोसिस, वेन का फॉर्मेशन नहीं होता है आर्च आर्टरी से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ए मतलब पोर्शन ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, ओके, आर्च ऑफ एओर्टा आई हैव टेल अबाउट, कि आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है वो लेफ्ट साइड के फोर्थ ऑर्टिक आर्च से रिलेटेड होता है, आर्च ऑर्टिक आर्च है, आर्च आर्टरी इज डेराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना सिंपल क्वेश्चन दिस। अब इसको क्रॉस करते हैं, पहला वाला डीजेनरेट कर जाता है, दूसरा डीजेनरेट करता है, इससे मैक्सिलरी आर्टरी या इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी, जो कि इसका ब्रांच इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, यहाँ से स्टेपिडियल आर्टरी एंड हायर्ड आर्टरी बनती है। थर्ड आर्च आर्टरी इससे क्या बनता है, अगर राइट साइड के बारे में बात करें और लेफ्ट साइड के बारे में बात करें, तो राइट साइड में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइट साइड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड, दोनों का पोर्शन ही बनता है। अब हम फोर्थ से अगर राइट साइड बात करो और लेफ्ट साइड बात करो, तो राइट साइड सबक्लेवियन आर्टरी का पोर्शन, और लेफ्ट साइड जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा बनता है, आर्च ऑफ एओर्टा बिटवीन बिटवीन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से बनता है, तो ये बनता है सिक्स इंटर सेगमेंटल आर्टरी से, इंटर सेगमेंटल आर्टरी, ओके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आर्टिक आर्च नंबर 4 हो जाएगा, ओके।